स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि पहला पॉइंट तो ये है पेटीएम KYC कैसे करनी है, और दूसरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों का पेटीएम KYC पहले से था, पेटीएम का सेविंग अकाउंट जो है वो पहले से था, उन लोगों को इनएक्टिवेट हो गया है कुछ लोगों का, तो किस कारण आप सभी का इनएक्टिवेट हुआ है, कैसे आप सभी रीकेवाईसी करेंगे और फिर से एक्टिवेट करेंगे, तो ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी आज की वीडियो जो है बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखेंगे, पूरी वीडियो को देखिएगा। तो कैसे आप सभी जिनका इनएक्टिवेट हो गया है वो कैसे एक्टिवेट करेंगे, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि पेटीएम KYC आप सभी कैसे करेंगे, दोनों तरीके बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना तरीका वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए आए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि पेटीएम के अंदर एक नया नियम जो कि लॉन्च हुआ है, नया नियम ये है कि अगर आप सभी का पेटीएम सेविंग अकाउंट पहले से ओपन था, ट्रांजेक्शन आप सभी कर रहे थे, तो अगर आप सभी मान लीजिए कि साल भर यानी कि 1 ईयर्स में कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप सभी नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप सभी का क्या होगा कि आप सभी का पेटीएम सेविंग अकाउंट जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। इस क्रम में आप सभी को फिर से KYC करना होगा, रीकेवाईसी करना होगा। तो उसके लिए कैसे आप सभी रीकेवाईसी करेंगे, इसलिए आप सभी 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन जो कि आप सभी कर लेंगे। तो अब जो है आप सभी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 1 साल के अंदर आप सभी यहाँ पे कुछ ना कुछ पेटीएम से जो कि ट्रांजेक्शन करते रहेंगे, नहीं करेंगे तो आप सभी का पेटीएम जो है सेविंग अकाउंट से वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और फिर से आप सभी को KYC कराना होगा। इसलिए आप सभी इस चीज़ पे ख्याल रखेंगे, अगर आप सभी के पास भी पेटीएम सेविंग अकाउंट है, इस्तेमाल करते हैं, तो साल भर के अंदर आप सभी कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन जो कि करते रहेंगे, नहीं तो आप सभी का भी इनएक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरी बात हम करते हैं कि अगर आप सभी का मान लीजिए इनएक्टिवेट हो गया है, इस क्रम में अगर आप सभी KYC करना चाहते हैं, तो 3 तरीके से आप सभी KYC जो कि कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, तो ऐसे में आप सभी को 3 तरीके मिलते हैं जिनसे आप सभी KYC कर सकते हैं। तो KYC के लिए सबसे पहला तरीका क्या होगा वो मैं आप सभी को बता दूं। सबसे पहला ये है कि आप सभी को आधार बेस्ड KYC एट योर नियर बाय KYC पॉइंट, यानी कि आप सभी को किसी नियर पे यानी किसी शॉप पे जाकर के कराना होगा इस क्रम में। तो पहला तरीका तो ये है कि आप किसी शॉप पे जाकर के कराइए आधार बेस्ड KYC एट योर नियर बाय KYC पॉइंट। किसी शॉप पे चले जाइए जहाँ पे KYC पॉइंट अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर के आप सभी जो कि KYC कराइए। तो इसके लिए अगर आप सभी को नहीं पता है कैसे नियर सर्च किया जाता है, तो अगर आप सभी किसी नियर पे जाकर के अपना KYC कंप्लीट करते हैं, तो ये जो है बिल्कुल फ्री है, फ्री KYC आप सभी किसी शॉप पे जाकर के करा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप सभी को पैसे जो कि नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री रहता है। तो उसके लिए आप सभी क्या करेंगे, आधार और पैन दोनों चीज़ का जरूरत होगा। उसके बाद आप सभी का वेरिफिकेशन KYC किया जाएगा, यानी फिंगर से किया जाएगा। तो इसमें अगर आप सभी KYC नियर पॉइंट सर्च करना चाहें कि कौन सा नज़दीकी है, तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे इंटर योर पिन कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप सभी अपना पिन कोड डालेंगे, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड डालेंगे, और डालने के बाद सर्च करेंगे, तो जो भी आप सभी का नज़दीकी रहेगा यहाँ पे ढेर सारे जो कि नाम आ जाएंगे, जितना अवेलेबल रहेगा इनमें कि जो आपके नज़दीकी शॉप है यहाँ से पढ़ लेंगे, जो भी शॉप यहाँ पे आप सभी का नज़दीकी लगे कि ये नज़दीकी है, उस शॉप पर जाकर के आधार एंड पैन कार्ड दोनों लेकर जाएंगे, और वहाँ पे आप सभी फिंगर से जो कि वेरिफिकेशन KYC करा लेंगे। और दूसरा KYC यहाँ पे क्या है, आधार बेस्ड KYC एट योर डूर स्टेप। तो इसमें क्या होता है कि डूर स्टेप अगर आप सभी कराना चाहें तो ये भी हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि पेटीएम के जो KYC अधिकारी है वो आपके दरवाजे पर आएंगे, तो इनमें आप सभी को कुछ चार्जेस लग जाएंगे, जैसे कि 100 से 150 रुपये तक का इसमें चार्जेस आप सभी को आ सकता है। अगर आप सभी यहाँ पे आधार बेस्ड KYC एट योर डूर स्टेप करते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को 100 से 150 रुपये जो कि खर्च होंगे, और आप सभी जहाँ पे रहेंगे कि अधिकारी वहीं पे जाकर के आप सभी का KYC जो कि कंप्लीट करेगा, तो इसको डूर स्टेप KYC कहा जाता है। तो इसको डूर स्टेप KYC कहते हैं, आप सभी जहाँ हैं वहीं पर रहेंगे तो वहाँ पर भी आप सभी का KYC हो जाएगा, लेकिन इसमें आप सभी को 100 से 150 रुपये का खर्च आ जाएगा। और तीसरा KYC अगर आप सभी के पास मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है, तो भी आप सभी KYC करा सकते हैं। तो अगर आप सभी के पास आधार कार्ड नहीं है तो KYC विदाउट आधार भी करा सकते हैं। इसमें आप सभी को क्या लगेगा कि अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप सभी को यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID या पासपोर्ट या फिर नरेगा जॉब कार्ड है, तो इनसे भी आप सभी करा सकते हैं अगर आधार अवेलेबल नहीं है तो।
तीन तरीके हैं, इन तीनों तरीके से आप सभी चाहे तो केवाईसी करा सकते हैं। जिनका सेविंग अकाउंट पहले से था, इनएक्टिवेट हो गया है बिना ट्रांजेक्शन के कारण, वो लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से कराएंगे। लेकिन अगर आप लोग नए हैं, अभी तक केवाईसी जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था, जिन लोगों का बंद हो चुका है अभी केवाईसी, तो ये आरबीआई गाइडलाइन की तरफ से ही बंद किया गया है, तो अभी तक अलाउ नहीं हुआ। तो नया कस्टमर जो है वो लोग अभी फिलहाल यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट नहीं कराएंगे, क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए नए पर्सन को जो है यहाँ पे केवाईसी अभी नहीं हो रहा है। जैसे ही नए पर्सन के लिए केवाईसी स्टार्ट होगा, तो मैं आप सभी के लिए वीडियोस जो कि लेकर आ जाऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।